हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोटबुक। गाइस, आज की इस वीडियो में शिवजी और पार्वती माता की एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने वाला हूँ। और इस ड्राइंग को करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर कैनवास बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, जो कि 10x8 इंचेस की है। बाय द वे, आप लोग इस ड्राइंग को A4 नहीं तो कोई भी साइज में कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इस ड्राइंग को फ्री हैंडली करने वाला हूँ। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं कैनवास बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके मैं कहाँ पर कौन से फीचर्स की ड्राइंग कर रहा हूँ। और जिसको भी नहीं पता, मैं पहले डिजिटली एक रेफरेंस फोटो क्रिएट कर चुका हूँ, तो अभी मैं उसी को ऑब्जर्व करके एक राफ्ट स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। और राफ्ट स्केच, जिसको भी नहीं पता, एक ही लाइन को हमें बार बार ड्रॉ करना पड़ता है जब तक हमें एक सही आउटलाइन नहीं मिल जाता। और जब लगेगा हाँ अभी ये लाइन सही है, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। बाकी आप लोग अभी ध्यान से देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से इस आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से राफ स्केच क्रिएट कर लेने के बाद, अभी जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है वो सब हमें इस तरीके से इरेज कर लेना है। और इरेज करने के बाद अभी हमें फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले ये वाला राफ स्केच 80% इरेज कर देना, ताकि एक्स्ट्रा जो भी ग्राफाइट है वो सब निकल जाए। एंड देन अभी हमें कोई भी कलर पेंसिल से फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ करना है। ओके, फाइनल आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है, और अभी आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अभी मैं इसको कलर करने के लिए एक्रेलिक पेंट का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड की कलर करना है, तो बैकग्राउंड में बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ, जो मिट्टी की कलर होता है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए ब्राउन, डीप येलो और व्हाइट को मिक्स करके कर लेना है, एंड देन सिंपली फुल बैकग्राउंड में वो कलर पेस्ट करना है। नेक्स्ट, शिवजी की स्किन की कलर के लिए प्रूशियन ब्लू, ज्यादा व्हाइट और थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर को मिक्स करके वो कलर क्रिएट कर लेना है, एंड देन शिवजी की फुल स्किन में वो कलर पेस्ट करना है। और अभी शिवजी की हेयर्स की कलर के लिए उसी कलर के साथ थोड़ा और प्रूशियन ब्लू और ब्लैक को मिक्स करके वो कलर क्रिएट कर लेना है, एंड देन सिंपली वो हेयर्स के एरिया में पेस्ट करना है। नेक्स्ट, अभी पार्वती माता की स्किन की कलर के लिए ज्यादा व्हाइट और थोड़ा थोड़ा करके डीप येलो और क्रिम्सन लेक रेड कलर को मिक्स करके वो कलर स्किन के एरिया में अप्लाई करना है। और भी पार्वती माता की हेयर्स की कलर के लिए उसी फेस की कलर के साथ थोड़ा और ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके वो कलर हेयर्स के एरिया में अप्लाई कर देना है। और इसी तरीके से ही हमें फुल ड्राइंग की बेस लेयर की कलर हमें अप्लाई करते जाना है। तो मैं कहाँ पर कौन सी कलर की यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फुल ड्राइंग में बेस लेयर देना कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट, अभी हमें डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज को देना है और डिटेल ऐड करते जाना है। लाइक, सबसे पहले आप लोग देखो, पार्वती माता की हेयर्स में लाइट वैल्यूज को दे रहा हूँ ब्राउन और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स करके, एंड वो इस तरीके से देने के बाद फिंगर की मदद से, नहीं तो एक सूखा हुआ ब्रश की मदद से वो ब्लेंड करना है। और लास्ट में इसके ऊपर हाईलाइट देने के लिए उसी कलर के साथ थोड़ा और व्हाइट और येलो कलर को मिक्स करके कर लेना है। और इसी तरीके से ही हमें फुल ड्राइंग में डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज में काम करते जाना है और डिटेल ऐड करते जाना है। तो अभी आप लोग देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ और कहाँ पर कौन सी कलर का यूज कर रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो।
ओके, सेकंड लेयर में डार्क वैल्यूज, लाइट वैल्यूज और डिटेल ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट अभी फुल ड्राइंग में एक जीरो साइज की ब्रश और ब्लैक कलर को यूज करके फुल ड्राइंग की फाइन लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ड्राइंग कंप्लीट हो चुका था गाइस, बट बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा सिंपल लग रहा था और थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा था, तो मैं बाद में बैकग्राउंड की कलर चेंज किया हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए व्हाइट और डीप येलो कलर को मिक्स करके इस टाइप की कलर में क्रिएट किया हूँ और फुल बैकग्राउंड में अभी इसको अप्लाई करने वाला हूँ। और गाइस इस तरीके से टैप टैप करके कलर्स को देना, इससे कलर बहुत ही ज्यादा लग सकता है, बट इससे आप लोगों को एक यूनिक टेक्सचर देखने को मिल जाएगी और थोड़ा गोल्डन सा टच देखने को मिल जाएगी इससे। तो ये चीज आप लोगों को फुल बैकग्राउंड में पहले ही कर लेना है। और लास्ट में सब्जेक्ट की शैडो देने के लिए उसी बैकग्राउंड के कलर के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लेना और इस तरीके से इस एरिया में अप्लाई कर लेना। एंड ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो भी डिटेल छुप गया था वो मैं फिर से एक बार अप्लाई कर दूंगा। तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइस आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अभी जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।